डूंगरपुर शहर के किशनलाल गर्ग स्कूल में विकास की गंगा बहाने वाले शिक्षा जगत के श्रेष्ठ गुरु बहु प्रतिभा के धनी लोकप्रिय प्रधानाचार्य अशोक भट्टी के सेवानिवृत्ति के समारोह में क्षेत्र की जनता जनार्दन एवं शिक्षा जगत के तमाम शिक्षाविदों ने उनके सराहनीय एवं अतुल्य सेवा के लिए भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर डूंगर विधायक गणेश गोगरा ने सेवानिवृत्त सर्वगुण संपन्न सदैव शिक्षा जगत के लिए दिन रात अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए तत्पर रहने वाले हर दिल अजीज समर्पण की भावना सभी के सहयोग परस्पर आपस में सामंजस्य रख के कदम से कदम मिलाकर विद्यालय विकास पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अशोक भट्ट का आभार व्यक्त किया। साथ ही डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने स्वर्गीय किशनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर में राजस्थान सरकार के TAD मद से 34.80 लाख लागत से 3 कक्षा कक्षों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। वहीं समसा मद से निर्मित 2 कक्षा कक्षों का लोकार्पण करते हुए विद्यालय में डोम के लिए 15 लाख की आर्थिक सहयोग की घोषणा कर सौगात दी। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक डूंगरपुर गोगरा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, संसाधनों की भी पूर्ण उपलब्धता कराई जा रही है। इस अवसर पर बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष डूंगरपुर प्रधान कांता कोटेट, विशिष्ट अतिथि PTA अध्यक्ष प्रकाश पंचाल, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र उपाध्याय, स्वच्छ परियोजना अधिकारी डामोर जी, समाज सेवी हसमुख जैन, श्रीमती अरुणा भट्ट, जगत शिरोमणि कौशल चंद्र रौनक तथा अन्य गणमान्य अतिथिगण मंचासीन रहे। कार्यक्रम में नारायण शंकर भट्ट ने सुरों के द्वारा समा बांधा। इससे पूर्व विद्यालय की छात्राओं के द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रथम सहायक नागेंद्र चौबीसा, दिलीप परमार तथा अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता विनय चौबीसा ने किया तथा आभार प्रदर्शन दिलीप परमार ने किया। खुशबू ने बहुत बड़ा प्रभावित कर दिया और आपकी एक सदाशयता की मांग, उन्होंने ना आपका ध्यान रखा था कि मैं रिटायरमेंट के दिन एक यादगार तोहफा दूंगा, तो पूरा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा और जब तक सूरज चांद रहे गणेश जी का नाम अमर रहेगा। तो बच्चों की दुख के रंग को आपने समझ लिया और मैं भी यही चाह रहा था कि राज्य सरकार का जो मुझे भाभा साहब ने तोहफा मिला है, लेकिन वो गणेश जी जो है वो मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरे 10 साल की सेवा की आप सार्थकता बन गई कि आप बच्चों की दुआएं अपन को मिली और अपन गणेश जी से ये कामना करते हैं कि अगले 5 साल के लिए आप फिर आए और इस विद्यालय को उत्तर बहुत आगे बढ़ाए। अब आप इसका उत्तरिया बजाएगा शायद आपका, मैं कहूंगा गणेश जी आप तीन बार बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर गणेश जी डॉम नहीं बनेगा जुलाई में आगे से बोलेंगे, वापिस बोलेंगे गणेश जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय श्री गणेश जी गोगरा साहब। मेरे श्रद्धेय इस स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अशोक जी भट्ट साहब, माननीय श्रीमती भट्ट साहब, मेरे बड़े भाई प्रकाश जी पंचाल साहब, हमारे पत्रकार जगत के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री राजू जी उपाध्याय, गर्ग साहब, जैन साहब और तमाम मंचासीन अतिथिगण। वैसे मेरे यहाँ उद्बोधन का कोई इस कार्यक्रम से वो नहीं है, पर जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय अशोक जी भट्ट साहब, उन्होंने हमेशा एज ए गार्जियन हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है और चूंकि आज उनका विदाई समारोह है एक तरह से और मैं इसीलिए मंचासीन भी हुई हूँ। मैं सिर्फ ये बच्चों को एक बात कहना चाहूंगी कि हम मंच पे जितने भी अतिथि विराजमान हैं वे सभी अपने आप में विलक्षण व्यक्तित्व हैं और किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता तब है जब हम उन व्यक्तित्व से कुछ ग्रहण करें। मैं तमाम यहाँ जो अतिथि मौजूद हैं उनके सम्मान में और प्रधानाचार्य अशोक जी भट्ट के सम्मान में केवल 4 पंक्तियां कहूंगी और उन पंक्तियों से अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं तो आपके प्रधानाचार्य महोदय की जो इस विद्यालय के लिए समर्पण है वो सार्थक हो जाएगा। मौसम की खबर नहीं रखते वो परिंदे जो डर नहीं रखते,
मौसम की खबर नहीं रखते, वो परिंदे जो डर नहीं रखते, देखते हैं सिर्फ मंजिल को, फासलों पर नजर नहीं रखते। और शायद यही कारण होगा कि 10 साल की इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं आदरणीय भट्ट साहब ने इस विद्यालय को प्रदान की। इसके साथ ही हमारे एमएलए साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा इस जिले के लिए, यहाँ के विद्यालयों के लिए और तमाम लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ करके सहयोग किया है। आपका मार्गदर्शन भी हमको इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद। डूंगरपुर शहर के किशनलाल गर्ग